MIUI RAM एक्सपेंशन फीचर, 2 GB, 3 GB, 5 GB आप लोग यहाँ पर रैम है उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हो। अगर आप लोगों की डिवाइस की रैम 4 GB है सो यहाँ पर आप लोग 5 GB एक्सपेंड करके उसको यहाँ पर 10 GB है वो यहाँ पर कर सकते हो, 11 GB कर सकते हो। सो इसी फीचर के बारे में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ। सो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग। सो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ एक बहुत ही कमाल के MIUI 12.5 या फिर आप लोग कह सकते हो MIUI 13 के फीचर के बारे में। ये फीचर इतना ज्यादा कमाल का है कि आप लोगों का यहाँ पर जो रैम है आपकी डिवाइस के अंदर मान लो 4 GB रैम है सो आप लोग उसको एक्सपेंड करके यहाँ पर 6 GB रैम है उसको यहाँ पर कर सकते हो। और अगर आप लोगों की डिवाइस में 6 GB यहाँ पर रैम है सो आप लोग 8 GB रैम है वहां तक एक्सपेंड कर सकते हो। सो यहाँ पर दोस्तों इसी फीचर के बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ। ये जो फीचर है वो अभी आपको चाइना के अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है लेकिन पॉसिबिलिटी है बहुत ही जल्दी आपको ये जो फीचर है वो इंडिया में यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो कौन कौन से डिवाइस को मिलेगा इसके बारे में हम बात करेंगे और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो फीचर है वो यहाँ पर कैसे वर्क करता है। सो कंप्लीट इस वीडियो को देखते रहिए। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को यहाँ पर ऑल पर प्रेस कर लेना क्योंकि आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियो है वो इसी चैनल पे यहाँ पर देखने को मिलती रहेगी। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को यहाँ पर लाइक नहीं किया है सो लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग यहाँ पर रखते हैं 100 लाइक का। आई होप आप लोग इसको यहाँ पर जल्दी से कम्प्लीट कर दोगे। सो यहाँ पर गाइस हमको अभी तक भी MIUI 12.5 अपडेट के अंदर रैम एक्सपेंशन का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिला है लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो फीचर है वो यहाँ पर कैसे वर्क करता है। सो यहाँ पर दोस्तों आप लोग जैसा कि स्क्रीन पे देख सकते हो ये है मेरे पास एक रियलमी का डिवाइस और इसके अंदर ये वाला जो फीचर है वो मुझे पहले यहाँ पर देखने को मिल चुका है और मैं बहुत दिनों से इसको यहाँ पर यूज भी कर रहा हूँ। सो इसके बारे में भी मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। सो ये फीचर आपको मिलेगा अबाउट फोन में रैम वाले सेक्शन में। सो आप लोग यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो 8 GB प्लस 5 GB मतलब कि 5 GB रैम है वो मैंने यहाँ पर एक्सपेंड करके रखी है अपने डिवाइस के अंदर। मैं इसको यहाँ पर 2 GB है इस पे भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकता हूँ और 3 GB है इसके अंदर भी सेलेक्ट कर सकता हूँ और टोटल आपको हाई जो है वो 5 GB यहाँ पर देखने को मिलती है। और आप लोग नीचे देख सकते हो द सेटिंग विल टेक इफेक्ट आफ्टर योर रिस्टार्ट योर डिवाइस मतलब कि यहाँ पर मैं डिवाइस को जैसे यहाँ पर रिस्टार्ट करूंगा 5 GB रैम है वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। सो टोटल GB आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 13 GB हो जाती है जो कि यार इनसेन है बहुत ही ज्यादा है। मैसिव आपको GB है वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है 13 GB यार बहुत ज्यादा यहाँ पर GB होती है मतलब कि सैमसंग के जो फ्लैगशिप डिवाइस है उनके अंदर भी इतनी GB नहीं होती है। हाईएस्ट यहाँ पर 12 GB है। सो 13 GB एक बहुत ही बढ़िया आपको साइज देखने को मिलती है। बैकग्राउंड में जितनी भी यहाँ पर एप्लीकेशन है वो मैं इस डिवाइस के अंदर यहाँ पर रन करा लूँ डिवाइस है वो बिल्कुल भी यहाँ पर लेक नहीं होता है। और ये एक रियलमी का डिवाइस है रियलमी X7 मैक्स और स्मूथ UI है वो तो एक अलग बात है लेकिन ये वाला जो फीचर है वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करता है। अब मान लो ये वाला जो फीचर है वो हमको इंडिया में MIUI 12.5 का जो अपडेट है उसके अंदर तो नहीं लेकिन 2-3 अपडेट बाद में यहाँ पर देखने को मिल जाए सो कितनी ज्यादा यहाँ पर हमारी MIUI है वो यहाँ पर स्मूथ बन जाएगी। जो भी यहाँ पर गेमर है गेमिंग करते हैं उनके लिए वाला जो फीचर है वो काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्पफुल होने वाला है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो फीचर है वो यहाँ पर कैसे वर्क करता है। आप लोग देख सकते हो रैम एक्सटेंशन नेम का जो फीचर है वो MIUI के अंदर देखने को मिलता है और रैम एक्सपेंशन का जो फीचर है वो आपको रियलमी UI और कलर OS के अंदर देखने को मिलता है। सो ये चाइना के अंदर फाइनली यहाँ पर रिलीज हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डिवाइस के अंदर ये वाला जो आपको फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो ये वैसे चाइना की लिस्ट है इंडिया की अभी नहीं आई है लेकिन आप लोग यहाँ पर थोड़ा बहुत देख सकते हो इंडिया के अंदर भी ये वाले डिवाइस मिलेंगे और कुछ डिवाइस है पोको के एंड रेडमी के MI के यहाँ पर एड होंगे। और आप लोग देख सकते हो रेडमी नोट 8 रेडमी नोट 90 रेडमी नोट 9 5G रेडमी नोट 90 रेडमी नोट 10 प्रो मैक्स पोको X3 GT और भी आपको बहुत सारे डिवाइस मिलते हैं जैसे कि स्नैपड्रैगन 888 870 865 सो पोको
पोको एक्स थ्री प्रो जो डिवाइस है वो भी क्लियरली मेंशन किया गया है। वैसे नेम तो नहीं है लेकिन जो प्रोसेसर है वो आपको देखने को मिलता है 870, सो उसके अंदर भी ये वाला फीचर मिलेगा और भी आपको काफी डिवाइस है वो यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों ये जो डिवाइस है इनके अंदर आपको ये जो रैम एक्सपेंशन का जो फीचर है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। फिर चाहे पबजी खेलो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलो, करीना फ्री फायर खेलो, आपके लिए काफी ज्यादा यहाँ पर ये वाला फीचर है वो यहाँ पर हेल्पफुल हो सकता है। सो अगर आप लोगों को ये फीचर अच्छा लगा हो सो वीडियो को एक लाइक कर देना। वीडियो का लाइक टारगेट हम लोग यहाँ पर 100K रखा है, देखते हैं आप लोग कितना जल्दी इसको यहाँ पर कंप्लीट कर पाते हो। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक भी चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होगा न्यूज आपको सबसे पहले यहीं पे देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल को यहाँ पर ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। किसी भी डिवाइस के लिए अपडेट यहाँ पर रिलीज होता है स्क्रीनशॉट के साथ में आपको न्यूज यहीं पे देखने को मिल जाती है और उसका जो मैनुअल लिंक है वो भी आपको आगे यहाँ पर देखने को मिल जाता है, आप लोग मैनुअली यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हो। सो इसी फीचर के बारे में आप लोगों को यहाँ पर बताना था। वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना, मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।